मैं तो भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ हूँ, भाजपा के साथ रहूँगा। भाजपा का मतलब ये हुआ, सबसे पहले भारत आता है, फिर जनता आती है, फिर पार्टी आती है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को पकड़ा। मिशन 2024 हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि 2024 कांग्रेस उम्र भर रोवी। मुस्लिम समाज को गुमराह होने वाला नहीं है। कभी किसी के बहकावे में आ जाए, कांग्रेस के या केजरीवाल के या हैदराबादी बाबू के, किसी के भी वो नहीं आने वाली है। देश के अंदर प्रधानमंत्री है मोदी और कांग्रेस को आप लोगों ने नहीं, हमने कर दी है मोदी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कासिम अली राठौड़ है, मैं नागौर राजस्थान से। क्या आज तो भाजपा का पट्टा लेके घूम रहे हैं, जेपी नड्डा जी साथ में हैं और मोदी जी भी साथ में, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हैं या नहीं है? मैं तो भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ हूँ, भाजपा के साथ रहूंगा। ऐसा क्या किया भाजपा? भाजपा ने ये किया कि सबसे पहले भाजपा का मतलब क्या हुआ जी? भाजपा का मतलब ये हुआ, सबसे पहले भारत आता है, फिर जनता आती है, फिर पार्टी आती है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को पकड़ा। क्योंकि इसको इसलिए चुना कि इसके अंदर भारत आता है, फिर जनता आती है, फिर पार्टी आती है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना सबसे पहले तो ये है। और मोदी जी की जो स्कीम है उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ हिंदू की है, मुस्लिम की है, सिख की है, ईसाई की है। उसके अंदर ये लिखा हुआ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सभी देशवासियों का प्रयास। उसने ये नहीं कहा हिंदू प्रयास करेगा, मुस्लिम नहीं करेगा, नहीं, सभी देशवासियों का प्रयास। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को पकड़ा है। और मिशन 2024 बता रहे हो आप, अभी पूछ रहे थे किसी बंदे से, भाई से, तो मिशन 2024 तो है ही। और मिशन 2024 हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि 2024 कांग्रेस उम्र भर रोवीस, ये तो उम्र भर रोएगी कांग्रेस। और मिशन इनका भारतीय जनता पार्टी का A1 है और A1 रहेगा इंशाल्लाह। हमारी जात भी, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब मुस्लिम वर्ग भी जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है कि उन्होंने स्कीम देखा है। कांग्रेस के जो कतनी और करनी में बहुत फर्क है, भाजपा में ये चीज़ नहीं है। इसलिए अब मुस्लिम समाज को गुमराह होने वाला नहीं है। कभी किसी के बहकावे में आ जाए, कांग्रेस के या केजरीवाल के या हैदराबादी बाबू के, किसी के भी वो नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के जिसने चुन लिया, जिसने एक बार वोट भाजपा को दिया, वो हमेशा मुसलमान वोट भाजपा को देता है। मैं पश्चिम राजस्थान से आता हूँ तो हमारे वहाँ पर भी अब मुस्लिम समाज जागरूक हो गया है और वहाँ की आवाज़ दिल्ली तक मोदी जी के साथ है। क्योंकि देश के अंदर प्रधानमंत्री है मोदी और कांग्रेस को आप लोगों ने नहीं, हमने कर दी है मोदी। मोदी मतलब समझ रहे हो ना आप, कमज़ोर, उसको हम कमज़ोर कर देंगे। और मिशन 2023 जो राजस्थान के अंदर है वहाँ पर भी भाजपा का परचम लहरेगा और मुस्लिम समाज में भी अब जागरूकता बहुत आई है। पढ़े लिखे हैं वो सब जानते हैं कि भाई ये कांग्रेस हिंदू मुस्लिम कर रही है और कुछ आना जाना नहीं है। और देश हित की भावना, देश के साथ चलना, ये मोदी जी का पैगाम है। इसी सूफी संवाद के साथ हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मैं असली मुसलमानों का हितैषी हूं। नहीं, कोई असदुद्दीन नहीं है, कोई मैं भी नहीं हूं, ना कोई आप हो, किसी हिंदू के भी आप भी नहीं हो। मैं आपके जरिए भी कहना चाहता हूं, मगर ये कहता हूं कि कोई किसी का नहीं है। मुस्लिम समाज अब जागरूक हो चुका है, सब वो जानता है कांग्रेस में क्या फ़र्क है और भाजपा में क्या फ़र्क है। भाजपा के अंदर मुसलमान जुड़ा है और अब जुड़ रहा है, इसलिए कांग्रेस या ओवैसी साहब जो भी कह रहे हैं वो गलत है। उनका संदेश यहीं तक समाप्त है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अभी अब मुसलमान जागरूक हो चुका है और पश्चिमी राजस्थान से भी आपकी बार इंशाल्लाह ताला रब्बुल इज्जत हमारी जात पे इंशाल्लाह हम कामयाब हैं अल्लाह के नाम पर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी कामयाबी देगा। और मिशन 2023 राजस्थान के अंदर भी भाजपा का कमल खिलेगा। 200 सीटें हैं वहाँ, 168 सीटें आएगी। और मुस्लिम बहुल्य इलाके में जो 35 या 36 सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम बहुल्य इलाका है, वहाँ पर भी भाजपा का मुस्लिम इलाका में कमल खिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। सर क्या नाम है आपका? जी मौलाना हमीदुल्लाह राजशाही नाम है। मैं उत्तर मेरठ उत्तर प्रदेश से हूँ और सूफी समाज का सह प्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश का। जी, आज सूफी समाज का जो सम्मेलन हुआ है, यहाँ से खास तौर पे आप खबर इंडिया के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्या अपील या मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए ये बहुत पहले से प्रोग्राम चल रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी 2016 में भी सुबह संवाद बैठक की थी, बहुत बड़ा सम्मेलन किया था और आज फिर मोदी जी ने जो भरोसा जताया है सूफी इज़्मी लोगों पर, उलमा इकराम पर, दरगाहों पर, खानकाहों पर, उसी तरह से हम तमाम दरगाह के लोग, तमाम खानकाह के तमाम सज्जादा नशीन मोदी जी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, हमारा प्रयास भी पूरी तरह से मोदी जी के साथ है और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो मोदी जी काम कर रहे हैं उसमें हमारा वक्त उनके साथ है। लेकिन तौकीर रजा जैसे व्यक्ति को मोदी जी पर भरोसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमें अगर मुस्लिम राष्ट्र चाहिए अगर यही हाल रहा तो। नहीं देखिए वो जो वोटों की राजनीति है ना, मुस्लिम राष्ट्र ना हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं होता, सिर्फ काम से होता है, जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं विकास से कर रहे हैं और हमारे तमाम वर्गों का। अगर मोदी जी ने उज्ज्वल योजना दी है, सलमा को दी है, सुल्ताना को दी है, तो राजबाला को भी दी है, और अगर प्रधानमंत्री आवास योजना दी है, अकरम को दिया है, मकरम को भी दिया है, तो मनमोहन को भी दी है, हर तरह के हर वर्ग के हर धर्म को मोदी जी ने देखा ही नहीं। जब भी उन्होंने भाषण दिया है तो ये कहा है कि मैं 130 करोड़ जनता के साथ हूँ और इसी तरह से मोदी जी के हम इसके साथ हैं। कोई भी योजना देखिए आपको सब पता है और सब जानते हैं, दुनिया जानती है, हर योजना में किसी में भी फर्क नहीं किया गया है, सबको साथ मिलाकर चला है। लेकिन एक और बात है, लगातार जो आरोप लगता है कि खासतौर पर भाजपा सरकार पर कांग्रेस जो आरोप लगाती है वो कहती है भाजपा नफरत की राजनीति करती है और हिंदू मुसलमान की बात करती है। नहीं, भाजपा एक बिल्कुल साफ और सच्चाई की राजनीति करती है। कांग्रेस ने अब तक मुसलमानों को ठगा है, देखिए आपने देखा है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यूपीए सरकार में पड़ी रही, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मोदी जी ने उस पर कार्रवाई की, काम चल रहा है। पसमानदा समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, सूफीज़म के लोग जो हैं, जैसे सूफीज़म जो हर बिरादरी में, हर धर्म में होते हैं, ईसाइयों में भी होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं और हर धर्म में होते हैं, लेकिन इनके पास, पादरियों के पास, मौलानाओं के पास, खानकाहों के पास नेता लोग दुआ कराने जाते हैं, प्रार्थना कराने जाते हैं, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद उनको कोई नहीं देखता। मोदी जी ने उनकी चिंता की है, उनकी फिक्र किया है। आज उन सूफी इकराम को, सूफीज़म के लोगों को यहाँ राष्ट्रीय कार्यालय 6 पंडित दीनदयाल उपाध्याय में बुला करके जो सम्मान दिया है, उस सम्मान के साथ तमाम उलमा इकराम, तमाम सूफिया इकराम मोदी जी के साथ हैं। मैं आखिरी सवाल करूंगा, असदुद्दीन ओवैसी और तौकीर रजा जैसे व्यक्ति का इलाज क्या है जो कट्टरपंथियों का, जो कहीं ना कहीं समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं? देखिए उनका इलाज तो हो ही रहा है, आपने देखा 2014 में हो गया उनका इलाज, 2019 में हो गया, 22 में हो गया, 17 में हो गया, अब 24 में फिर इलाज होने वाला है और यूपी में भी हो गया, 22 में, फिर 27 में भी होगा। उनका इलाज जनता दे रही है, पूरी तरह से मुसलमान जागरूक हो चुका है, न ओवैसी का कोई बात चल रही है। आपने देखा ओवैसी जी आए थे उत्तर प्रदेश में, एक भी सीट ले गए क्या? कोई मुसलमान ने वोट नहीं दी। भीड़ आ सकती है देखने के लिए, लेकिन वोटों में बदल नहीं सकती। कि समस्या कहाँ आ रही है, आखिर कौन लोग हैं जो समाज में हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करना चाहते हैं या फिर हर रोज़ बयानबाजी करके जहर घोलना चाहते हैं, कौन है जो माहौल खराब करना चाहते हैं? जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं वो आपको मालूम है, मीडिया आप हैं, हमारे से बेहतर आप ही जानने वाले हैं, क्योंकि देखो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है तो नाम इसका है पूरे भारत में एकताइज करने का और सबको, ये हिंदू मुसलमान ईसाई को सबको मिलकर लेके चलने का है। लेकिन उसमें क्या है, जैसे आपको बोलना चाहिए तो बाबरी मस्जिद की किली कौन खोले पहले जी, कौन खोले बताइए आप, सबसे पहले कौन खोलिए फिर आप समझना चाहिए, समझदार को इशारा काफ़ी है। उसलिए बीजेपी पार्टी जब से ही, एक भी ये नहीं हुआ, मतलब दंगाबाजी कुछ भी नहीं हुई, बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है सबको लेके चलती है। अब देखो इंशाअल्लाह अब तेलंगाना में भी हमारी पार्टी आने वाली है और आके पूरे हिंदुस्तान में सब पूरे मजहब लोग एक होके नरेंद्र मोदी साहब को फिर प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आप उस हैदराबाद से आते हैं जहाँ से खुद असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और आज दिन उनके बयान आते हैं, तो क्या लगता है वो कहते हैं कि मुसलमानों का असली रहनुमा मैं हूँ? नहीं नहीं, वो असली रहनुमा नहीं है, 7 सीट से क्यों नहीं बढ़ रहे हैं उनके बताइए आप, 8वीं सीट नहीं क्यों आ रही है उनकी, एक एमपी से दूसरा एमपी न्यू नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ बातें हो रही हैं साहब, कामें होना चाहिए। क्या किया उन्होंने मुसलमानों को बताइए आप, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों के हॉस्पिटल है, कोई फ्री करा दो बोलो उनको, कहीं भी नहीं, ट्रीटमेंट भी फ्री नहीं होता उनके, इसमें जैसा गवर्नमेंट का पैकेज है उसमें करते वो लोग, उनके तरह से कोई नहीं फ्री करते। इसलिए हम लोग आके अब ये नरेंद्र मोदी साहब के साथ रहेंगे, उनके साथदारी देंगे और पूरी इंडिया में बीजेपी का झंडा रह जाएगा। अगर कहते हैं कि भाई नहीं, कांग्रेस अगर लगातार सवाल खड़े करती है कि भाजपा केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद पर वोट बैंक का बनाने की कोशिश करती है, अभी तो हो गया ना साहब, अभी खुला हो गया है, मस्जिद भी इंशाअल्लाह बन रहे हैं, अभी तो देखा है, अब काम भी शुरू हो रहा है, क्या
भव्य मंदिर भी बन रहा है। हाँ, मंदिर भी हो गया है, मस्जिद भी हो गया है, अभी कोई नहीं है, वो लोग को कोई मुद्दा भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमारे को 75 साल से मुसलमानों को, सिख ईसाइयों को, दलित को ऐसे ऐसे यूज़ की है, पूछो मत आप, वैसे यूज़ की है। अब हम लोग हुशार हो गए हैं, हम आगे अब चौकन्ने हो चुके हैं, अभी हम लोग बीजेपी के साथ रहेंगे, उसको हम साथ देंगे। मैं एक सवाल आखिरी करूँगा, तौकीर रजा दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद में कहते हैं कि अब मुसलमान भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेगा, क्या आप मुस्लिम राष्ट्र की मांग करते हैं? नहीं नहीं, सब अखंड भारत की राष्ट्र मांग करते हैं, ऐसा नहीं, मुस्लिम राष्ट्र कैसा हो सकता बोलो, सब एकता ही से रहना, हम लोग सबका हक एक ही है ना, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर साहब लिखे हैं उसके दावे में हम लोग चलते हैं इंशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगे खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों? मुस्लिम समुदाय एक ही है, 75 साल से हम लोग गुलामगिरी करके आए हैं, जैसे आके 75 साल से हमारे जो पूरे पूरे परिवार सब अभी तक पंचर वाले हो चुके हैं, अभी तक रिक्शा चलाने हो चुके हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिजिटल इंडिया, इंडिया जैसा डेवलप हो रहा है, शिक्षक होना चाहिए, एक हाथ में जैसे जैसे मोदी जी कहा, एक हाथ में कुरान एक हाथ में पढ़ाई, वैसा वैसे आगे बढ़ना चाहिए इंशाल्लाह।